बिलासपुर के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 2020 में ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ 100 सीटों की स्वीकृति वाले मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों का बैच भी बिठा दिया जाएगा। इस बाबत रिक्रूटमेंट को लेकर प्रक्रिया चल रही है और दिसंबर माह के अंत तक नियुक्तियां भी हो जाएंगी। खास बात यह है कि जून 2021 में ही एम्स त्याग करके हिमाचल की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। बिलासपुर के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जनवरी 2020 से ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ 100 सीटों की स्वीकृति वाले मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों का बैच भी बिठा दिया जाएगा। इस बात पर रिक्रूटमेंट को लेकर प्रक्रिया चल रही है और दिसंबर माह के अंत तक नियुक्तियां भी हो जाएंगी। इस समय ओपीडी ब्लॉक का निर्माण कार्य द्रुत गति से जारी है और शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। तो वहीं पीजी हाउस और प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। खास बात यह है कि जून 2021 में ही एम्स तैयार कर हिमाचल की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करने के बाद परिधि गृह में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ किए गए निरीक्षण में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से आए अधिकारियों की मौजूदगी में निर्माता कंपनी एनपीसीसी प्रबंधन से क्वालिटी और प्रगति पर एक प्रेजेंटेशन ली गई है। क्वालिटी व प्रगति संतोषजनक पाई गई है। इन दोनों ही विषयों पर मोस्ट मॉडर्न टेक्निक से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि ओपीडी ब्लॉक लगभग बनकर तैयार है, जबकि पीजी हाउस में फर्निशिंग का कार्य चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का कार्य भी प्रगति पर है। ऐसे में पूर्ण आशा है कि ये कार्य जून 2021 तक पूर्ण हो जाएगा, जबकि कैबिनेट मंजूरी के तहत 2022 तक एम्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जेपी नड्डा के अनुसार एम्स की ओपीडी नए साल में जनवरी माह से शुरू कर दी जाएगी और हिमाचल की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसके लिए नियुक्तियों को लेकर प्रक्रिया जारी है और ये कार्य दिसंबर माह तक हो जाएगा। जो इसमें रिक्रूटमेंट का काम है वो भी शुरू हो गया है और रिक्रूटमेंट जल्द हो जाएगी। आज के प्रेजेंटेशन के बाद ऐसा फैसला लिया गया है कि दिसंबर महीने तक ओपीडी ब्लॉक जो कंप्लीट हो जाएगी, नए साल से वहाँ ओपीडी हम शुरू कर देंगे। और ये अभी आयुष ब्लॉक के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें ओपीडी हम शुरू करेंगे, तो ओपीडी के रूप में वो काम करेगी। रिक्रूटमेंट का काम पूरा शुरू हो गया है। 2020 के सेशन में हम 50 स्टूडेंट्स का फर्स्ट बैच बैठाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए भी टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट का काम तय हो गया है, वो भी हम एडवर्टीजमेंट्स हो गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम समय से पहले इसको पूरा करने में अपना योगदान करेंगे। का अधिकारियों के साथ मिलकर निरीक्षण किया और हमारे एनबीसीसी के अधिकारी और हमारे भारत सरकार के अधिकारी को भी, उनके साथ भी वार्तालाप हुई। कुल मिलाकर के मैं एम्स की क्वालिटी और प्रगति दोनों से ही बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इस निरीक्षण में मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और हमारे रणधीर शर्मा जी, सुभाष ठाकुर जी, राजेंद्र गर्ग जी और कटवाल जी और त्रिलोक जम्वाल जी, ये सब लोग उस इंस्पेक्शन में साथ थे। एक हमने प्रेजेंटेशन देखी, उस प्रेजेंटेशन में जो काम चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की। ओपीटी ब्लॉक लगभग तैयार होने की कागार पर है। पीजी हॉस्टल्स के जो ब्लॉक्स हैं उनका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और पीजी ब्लॉक भी अब फाइनल शेप ले रहा है। और उसी तरीके से ये जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का सारा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, अब उस पर लेंटर पड़ने की काम चल रहा है। स्पीड इस प्रकार से है कि हर 10 दिन में एक लेंटर पड़ जाता है, स्पीड से हम काम कर रहे हैं। 2022 तक कैबिनेट का अप्रूवल है कि ये खड़ा हो, तैयार हो। लेकिन जो मैंने प्रगति देखी है, मैं ये कह सकता हूँ कि 2021 के मध्य और अंत होते होते इसका सारा स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और इस
यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।